हुरों के रूहानी पेशवा आला हजरत पीर साहब अगारा के साहिबजादे मस्जिद में फंक्शनल सिंध के नायब सदर एम पी एस सैयद मोहम्मद राशिद शाह ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में महंगाई और बदअमनी हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, जिसको कंट्रोल करना सबके लिए जरूरी है, जिसका हल पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और इनके हम ख्याल लोगों के पास है। उन्होंने इन बातों का इशार पीर कोर्ट में मुस्लिम लीग फंक्शनल के कारकुनान और वर्कर से खिताब करते हुए किया। राशिद शाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी आवाम इस वक्त महंगाई की वजह से मुश्किलात से गुजर रही है और दूसरी तरफ सूबे में डाकुओं की लूटमार है, छोटे बच्चों को अगवा करके तमाम तलब किया जा रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन परेशानी से बेहाल हैं। महंगाई और डाकुओं का राज है, हमें रोना आता है कि हुकूमत इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। अफसोस है कि इक्तदार में बैठे इन पर कुछ असर नहीं हो रहा। सैयद मोहम्मद राशिद शाह ने 24 जुलाई तक खैरपुर जिले का इंतजामी काम मुकम्मल करने के बाद पूरे सूबे के दौरे का ऐलान कर दिया और मुस्लिम लीग फंक्शनल की तंजीम साजी मजबूत और मुस्तहकम करने का भी कहा है। और इसके अलावा यूथ विंग और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को अनकरीब पूरे सूबे में फाल किया जाएगा। कारकुनान घर घर तक मुस्लिम लीग का पैगाम पहुंचाए, यही जमात जिसने पाकिस्तान बनाया और इस वक्त अपना किरदार अदा कर रही है, यही जमात जिसमें कायदे आजम रहे और मेरे दादा शाह मर्दान शाह जैसे दलेर सियासतदान भी रहे। सुबह सिंध के दीगर सूबों में भी जरूर जाऊंगा, मुझे पूरे सिंध से खसूसी दावतें पहुंची हैं। मैं इंशाल्लाह कराची से लेकर कश्मीर तक अपनी जमात को अपने वालिद साहब और अपने दादा के नजरिए को देख कर काम करूंगा। खैरपुर और कोटजी की दोनों हलकों पर मंजूर वसान नवाब वसान से अपनी जमात पीपल्स पार्टी में दरख्वास्तें दी हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? तो जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल वसान फैमिली का हक है, मगर 15 साल से अवाम की क्या खिदमत की गई, ये सभी अवाम बखूबी जानते हैं। हम सब खैरपुर के हैं, हमारे ताल्लुकात इनसे अच्छे रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कायम अली शाह भी पुरानी मुस्लिम लीग में रहे और मेरे दादा के दोस्त रहे हैं, इनके भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नफीसा शाह पढ़ी लिखी औरत हैं। एक और सवाल के जवाब में सैयद राशिद शाह ने कहा कि तराजा सानिया में और जमात के 13 लोगों को शहीद कर दिया गया, इस वक्त हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसमें इंतजामिया DSP और SSP मुलव्वज़ थे, जिसके हमारे पास सबूत मौजूद है। अब हम अदालत में जाएंगे और मुकदमा दर्ज करवा कर शहीदों के लवाहिकीन को जरूर इंसाफ दिलाया जाएगा। सैयद मोहम्मद राशिद शाह ने ऐलान किया कि पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल पूरे सूबे में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, इसके लिए मैं पूरे सूबे में अपने तंजीमी दौरे पर काम कर रहा हूं और मेरे साथ नौजवान तबका है।